मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरल वर्ल्ड पे और मैं हूं अनिल ब्राक्टा। तो गाइज, आज हम बहुत अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखाना चाहते हैं। आज मैं अपने गांव से रिकांगपियो की ओर जा रहा हूं। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को लगभग आधा किन्नौर तो दिखाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा। तो गाइज चलेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइज, बहुत ज्यादा फुल एंजॉय करेंगे हम। तो गाइज चलते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ माता दुर्गा का टेंपल है, त्रंडा माता दुर्गा का टेंपल है। तो हम यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आता है, तो यहाँ से अगर गुजरेंगे तो लोग, तो यहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर आप यहाँ पे दर्शन करोगे तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो गाइस, हम भी माथा टेकेंगे माता के दरबार में। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं त्रंडा ढांक पे। देख सकते हैं ये रास्ता 1962 के बाद ये रास्ता बनाया गया। देख सकते हैं यहाँ पर कैसा कटिंग हुआ है। तो ये त्रंडा ढांक कहलाया जाता है, इस ढांक का नाम है त्रंडा ढांक। गाइज, ये रास्ता वर्ल्ड के डेंजरस रोडों में आता है। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त रोड है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। तो आप लोगों ने ये व्यू देखा ही होगा। तो गाइज, बहुत मज़ा आया हमको यहाँ। आगे हम बहुत अच्छे अच्छे व्यू आपको दिखाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। चल दोस्तों, आप लोगों ने त्रंडा ढांक तो देख लिया। त्रंडा ढांक के नीचे सतलुज नदी बहती है। जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे, टूर करोगे, घूमोगे, तो आना, सेफ ड्राइव करना, अच्छे से व्यू करना और अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करनी। तो अपना ध्यान रखना दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आगे चलेंगे हम, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहना और फुल मज़ा लेना। मैं आपको और अच्छे अच्छे व्यू दिखाते रहूँगा, बने रहिए।
तो दोस्तों, आप सभी को मैं इस नाले के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल सा नाला है और इसमें कोई पानी नहीं आता, इसमें को ना ही कोई मलवा आता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मलवा आता है, चाहे तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसलिए इस नाले का नाम पागल नाला बोला गया है। किन्नौर का ये डेंजरस नाला है, पागल नाला। तो ध्यान से जाना इस रास्ते से, पागल नाले से, और अपने आप को सेव करना, सेव ड्राइव करना यहाँ से। दोस्तों, फाइनली हम रिकोंगपियो पहुंच चुके हैं। तो इस सफ़र में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आगे आपको रिकोंगपियो दिखाएंगे, देन उसके बाद हम कल्पा भी जाएंगे। तो गाइज, इंजॉय करते रहना मेरी इस वीडियो को। तो गाइज, धुंध होने की वजह से मैं आपको रिकोंगपियो अच्छे से तो दिखा नहीं पाऊँगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गाइज। बट थोड़ा बहुत जितना मुझसे होगा मैं आपको दिखा दूँगा रिकोंगपियो बाजार। गाइस, हम पहुंच चुके हैं रिकोंगपियो। ये रिकोंगपियो का रामलीला मैदान है। ये है रिकोंगपियो बस स्टैंड। सुंदर सुंदर पेड़ों के बीच बना हुआ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को रिकोंगपियो तो दिखा दिया, थोड़ा बहुत मैंने आपको रिकोंगपियो दिखा दिया। तो गाइज, अब हम कल्पा जाएंगे। कल्पा की नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट पार्ट आपको हम दिखाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। तो गाइज, मिलेंगे कल्पा और जाएंगे रोगी। तो चलते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए।